गाइस हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ये वाला जो मेकअप लुक है जो आपको अभी दिख रहा है, मैंने क्रिएट कर लिया है पूरा एंड काफी ज्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ है। साथ में ये जो मेकअप लुक है मैंने क्रिएट करा है टीनेजर्स के लिए इसलिए क्योंकि टीनेजर्स के लिए मेकअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उनको समझ में नहीं आता किस तरह से मेकअप करना है, जिसकी वजह से वो अपना फेस बिगाड़ लेते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इजीली स्टेप बाय स्टेप हिंदी में एक एक चीज को ध्यान रखते हुए कुछ टिप्स देते हुए बहुत ज्यादा इजीली मेकअप मैंने सिखाया है। इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो 200 के अंदर है, लाइक उनका जो MRP है वो भी 200 होगा, 200 के अंदर होगा, ताकि अगर उन्हें अपनी किट बनानी है तो ले सकते हैं, अगर मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास तो परचेस कर सकते हैं, अगर हैं ऑलरेडी सारे और मेकअप समझ में नहीं आता तो कर सकते हैं। तो ये जो मेकअप लुक है मुझे पसंद आ रहा है एंड आप लोगों को भी पसंद आता है, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक ताकि पार्ट मिस ना हो और आप इजीली जो है मेकअप सीख सको एंड मेकअप कर सको जितना मुझे आता था। मैंने अपनी तरफ से सिखाने की 100% ट्राई करी है एंड आई होप आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे प्राइमर से, क्योंकि गर्मियों में तो प्राइमर अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। इनफैक्ट आप प्राइमर लगाकर भी ऐसे रह सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना है तो प्राइमर अप्लाई करके आप कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ थोड़ी सी मेकअप की बात हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे प्राइमर तो यूज करूंगी। बीबी का प्राइमर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड इसका जो MRP है वो ही 185 रुपीज है एंड पर्पल से मैंने इसको परचेस करा था एंड इसमें हमेशा ही डिस्काउंट अवेलेबल होता है, तो आप चेकआउट कर लेना, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो जहां पर आपको सही लगे वहां से इसको परचेस कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इसका स्मूथ जो है टेक्सचर है, इसको मैं अप्लाई करूंगी। सबसे पहले अपने मतलब सेंटर ऑफ फेस पर अप्लाई करना चाहिए जहां पे आपके ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं और जो फाइन लाइंस होती है ना वो भी ज्यादा होती है। अगर अलग से कोई आई प्राइमर नहीं है तो आप सेम जो फेस प्राइमर होता है उसको भी करते हो, वही आप अपनी आईलिड पर भी अप्लाई कर सकते हो। बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, उसके लिए मैं अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो गीला करके ले आई हूँ और अपनी टॉवल की हेल्प से थोड़ा सा और ड्राई कर लेती हूँ, मतलब जो जितना भी इसके अंदर पानी है वो निकल जाए और इससे जो मेरा मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो। और अगर आप लोगों को ये ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए जो कि अल्ट्रा अफोर्डेबल है, मैंने अमेजोन से लिया था, इसकी मैंने फुल वीडियो बना रखी है, 80-85 रुपीज में 3 ब्यूटी ब्लेंडर थे जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए तो एंड अफोर्डेबल भी चाहिए तो। 80 रुपीज में फाउंडेशन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे जो पर्सनली लगा कि मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए वही ओलिविया का फाउंडेशन है, क्योंकि सबसे पहली तो बात है कि ये जो फाउंडेशन है काफी ज्यादा अच्छी कवरेज देता है, लाइक हाई कवरेज तक ही देता है, इसकी भी मैंने आई थिंक फुल वीडियो बना रखी, चेकआउट कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अफोर्डेबल भी है, 100 रुपीज का फाउंडेशन है, कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी देता है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड करा है। इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 2 नेचुरल ग्लो, थोड़ा सा लूंगी, ज्यादा हैवी लेना नहीं है क्योंकि कवरेज ज्यादा अच्छी देता है, इसलिए थोड़े से काम चल जाता है, थोड़ा सा निकाला है मैंने फिलहाल, और ब्यूटी ब्लेंडर में लेकर अप्लाई कर लूंगी। बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, लाइक बहुत टाइम से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ना अप्लाई करना छोड़ दिया, मैं ब्रश से बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन अब जब मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर आया ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो अगर आप देखोगे मेरे 5-6 वीडियो मतलब इससे पहले के और ब्यूटी ब्लेंडर लेने के बाद के, तो मैं उसमें इसी से ब्लेंड करती देखूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और फिनिश भी बहुत अच्छी देती है, सॉफ्ट बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा इजिली आपको बस प्रेशर डालना है अपनी चीक्स पे, अपने पूरे फेस पे, और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। थोड़ा सा लगाया था इसलिए मुझे इतनी फिनिश ही चाहिए एंड गर्मियों में पता क्या होता है कि आप लोग ज्यादा अप्लाई करना पसंद भी नहीं करोगे कि बहुत सारा आपने लेयर अप्लाई कर लिया, तो आप लाइट जो लेयर रखो फाउंडेशन की, लेयर जो है वो काफी है, आप कॉम्पैक्ट से सेट करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा सा लुक मिल जाएगा। बट अगर आपकी डार्क सर्कल के लिए आप टीनेजर हो तो आपके उतने होंगे नहीं, लेकिन अगर किन्हीं किन्हीं के हैं किन्हीं वजह से और मेरे हैं किन्हीं वजह से, तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मार्स का जो है कंसीलर है, ये मैंने न्यू परचेस करा है, अभी मेरे को रिसीव हुआ तो मुझे लगा कि इसको मुझे ट्राई करना चाहिए, तो उसका मैं आपको छोटा सा क्विक सा रिव्यू भी दे दूंगी। बट अगर आपको इसके अलावा स्विच करना हो कोई और सा कंसीलर तो आप डेफिनेटली स्विस ब्यूटी करो, जो वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं भी इस वीडियो में उसको इंक्लूड करने वाली थी बट अभी रिसीव हुआ तो मुझे लगा इसको भी चांस देना चाहिए। देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा, काफी ज्यादा अच्छी ब्रश फॉर्म के एप्लीकेटर के साथ आता है, जब आप प्रेस करोगे तो जिसका
प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर इसने अच्छा वर्क नहीं करा तो आप स्विस ब्यूटी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आंख बंद करके। 180 या 190 का है, आफ्टर डिस्काउंट भी थोड़ा सा इसका कम हो जाता है एंड बिना डिस्काउंट के भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कवरेज देता है। फॉरहेड पर भी अप्लाई कर लूंगी एंड अपनी आईलिड पर भी। अब इसको अप्लाई करेंगे, इसमें जो मेरा शेड है वो है मीडियम बेज और ये थोड़ा सा येलोइश टाइप में है, लाइक इसकी जो फिनिश है वो कुछ येलो येलो है बट ब्लेंड हो गया है। ब्लेंड होने के बाद ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है, कवरेज काफी ज्यादा सही है इसकी और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, इजी टू ब्लेंड है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। काफी ज्यादा सही ब्लेंड हो गया, बहुत ज्यादा इजिली भी हो गया है। तो ये कंसीलर भी अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे और कंसीलर कर रहे हैं इस रेंज के एंड अच्छे से ब्लेंड हो गया है और काफी ज्यादा स्मूथ भी लग रहा है। इससे ना एक बात है, इसमें ना हल्की सी शाइन है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, एकदम मैट लुक भी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा मैट मैट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो आपका जो फेस है ना बहुत ज्यादा केकी लगने लगेगा एंड लगेगा कि हाँ आपसे मेकअप करने नहीं आता या आपने ओवर मेकअप कर लिया है या बहुत सारी लेयर्स अप्लाई कर रखी है। तो कम जो प्रोडक्ट लेकर कम लेयर्स अप्लाई करोगे तो और ज्यादा जो बेस है जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगेगा। तो कॉम्पैक्ट के लिए तो अफोर्डेबल सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है मेरे को एलईटी, 100 रुपीज का कॉम्पैक्ट एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मिरर मिलता है, पफ मिलता है एंड इसकी जो कवरेज है बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं और अफोर्डेबल भी एंड कॉम्पैक्ट एक ऐसी चीज है जो समर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए अफोर्डेबल और अच्छा कॉम्पैक्ट एलईटी का है। अभी तक मैंने पता नहीं इसके कितने सारे जो है वो यूज कर लिए हैं। अगर आप इस तरह से अपना कॉम्पैक्ट लगाते हो तो जो आपका बेस है ना, जो अभी आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया था वो बहुत ज्यादा अच्छे से सेट भी लगा, आपको कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। आईब्रो किट के लिए, आईब्रोज फिल करने के लिए मेरे पास जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अभी फिलहाल के लिए वो है मास्की आईब्रो किट और आईब्रो पैलेट, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको चार जो है शेड्स मिल जाते हैं, आप अपनी आईब्रोज के कलर के अकॉर्डिंग को कोई सा भी यूज कर सकते हो, इनको एज आई शेडो भी यूज कर सकते हो। दो ब्रश मिलते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल जाना है तो जो लैक्मे की आईब्रो पेंसिल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर अल्ट्रा अफोर्डेबल जाना है, हद से ज्यादा अफोर्डेबल जाना है तो 500 रुपए की आईब्रो पेंसिल आती है एडीएस की, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे उसको बहुत यूज करा है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था तब भी मैंने उसको बहुत यूज करा है। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है तो उसको ले सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा है आप इनका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हो एंड एक अच्छी चीज में आप मतलब बहुत टाइम तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो इसके साथ आप जा सकते हो। तो अगर मिरर होता तो और भी ज्यादा अच्छी होती है। तो नेक्स्ट है मेरे पास ब्लशर के लिए, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है, 40 रुपए का एडीएस का ब्लशर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी चीक्स पे अप्लाई होता है, ज्यादा पाउडरी भी नहीं करता है और पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि मैंने रखा है ये माई ग्लैम पॉपेक्सो का इंस्टाग्राम फेस किट, इसमें आपको मिलता है ब्लशर दो, तो इसमें मिलता है आपको दो ब्लशर, एक सेटिंग पाउडर और एक हाईलाइटर। वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 399 है, लाइक कहीं से भी 200 के अंदर नहीं है, लेकिन 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 माई ग्लैम पर ना हमेशा सेल चलती रहती है, लाइक आपको कोई भी प्रोडक्ट का फुल प्राइस नहीं देना होता, 80% से भी कम में आपको मिल जाता है। तो लिंक अगर मेरे को मिलेगा तो मैं प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये किट आपको अल्ट्रा अफोर्डेबल मिल जाएगी, लाइक बहुत ज्यादा 100 या 150 के लगभग मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। इसमें दो ब्लशर मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड पिगमेंटेड है, हाईलाइटर बहुत अच्छा है एंड सेटिंग पाउडर भी वाइट है, तो जब आप इसे अपना फेस सेट कर लोगे तो आपकी स्किन में घुल मिल जाएगा, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। बट अगर आपको वो वाला ब्लशर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, लोकल स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो जो लाइट वाला कलर है उसको लेके मैं इसको ब्लश अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले। एंड उसके ऊपर सेम ये जो हाइलाइटर है इसी पैलेट का वो अप्लाई कर लूंगी, बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा, क्यूपिड्स बो पे और थोड़ा सा चिन पे। जो ब्लशर वाला शेड है इसको मैं थोड़ा सा लेकर अपनी हाइलाइट पर अप्लाई करूंगी, बहुत ज्यादा हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा हैवी जो आई शेडोज है वो नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा लाइट अप्लाई कर रहे हैं। और फिंगर की हेल्प से ही बहुत ज्यादा ईजिली जाएगा, तो आपको अलग से कोई ब्रश वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम हाईलाइटर से ना बस थोड़ा सा लेके मैं बस अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हल्का हल्का सा। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास इन साइड का लाइनर, बहुत ज्यादा अच्छी पैकेजिंग के साथ अफोर्डेबल है, 70 या 75 रुपीज का है ये। एंड बहुत सारी गर्ल्स, अगर ये टीनेजर जो गर्ल्स हैं वो देख रही होंगी तो वो लाइनर का वेट कर रही होंगी, क्योंकि एक अच्छा और सस्ता लाइनर हर एक टीनेजर की तलाश रहती है। तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा ब्लैक है और इसका जो वॉन्ड है वो बहुत ज्यादा पतला है, तो आप इजिली कोई सा भी लाइनर से क्रिएट कर सकते हो। मैं क्रिएट करने वाली हूँ क्योंकि सभी टीनेजर्स को विंग लाइनर बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए एक बार अप्लाई कर लिया, मैं जल्दी से इसे अप्लाई कर लेती हूँ।
लाइनर के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ गर्ल्स है ना वो काजल अवर भी होंगी, तो उनके लिए है ब्लू हेवन की काजल, अफोर्डेबल है 200 के अंदर। वैसे आप एलिटिंग की भी ले सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट मैंने इसको ट्राई करा तो ज्यादा ब्लैक लगी मुझे, थोड़ी थिक भी है, तो जिनको बोल्ड काजल अप्लाई करना पसंद है तो उनके लिए ब्लू हेवन की है, इजिली मिल जाती है। और इसका जो प्राइस है मुझे पता नहीं तो मैं मेंशन करूंगी, बहुत ज्यादा अच्छी है बट एलिटिंग की आप ट्राई कर सकते हो, बट उसको बहुत सारी वीडियो में शो कर चुकी है, तो इसलिए कुछ ट्राई के लिए कुछ अलग के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी है, फॉर्म में आती है बहुत अच्छे से, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छे से टाइट लाइन भी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छे से लग भी रही है, तो काजल बहुत ज्यादा अच्छी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी आईज पर काजल अच्छी नहीं लगती। आपको कैसी लग रही है प्लीज आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती है अगर मैं फुल अपनी आईज पर काजल अप्लाई कर लेती हूँ तो, इसलिए मैं ऐसे यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ। एंड ये वाला जो है थोड़ा सही लग रहा है, आप मेरे को कमेंट बताना कैसे लग रहा है, मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती काजल, बहुत सारी काजल ऐसी है, लेकिन हाँ जब कभी हैवी आई मेकअप लुक कर रहा होता है तो उसमें काजल अप्लाई करना मस्त होता है, वरना आंखें बहुत ज्यादा सूनी सूनी लगती है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ₹125 का मस्कारा, जो कि अच्छी खासी पैकेजिंग के साथ आ रहा है इस तरह की, एंड सस्ता मस्कारा और कोई था नहीं, और मुझे सच में मिला भी नहीं, बट मुझे ये मिला तो इसकी जो वर्किंग है काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा ब्लैक है, अच्छे से लैशेज को कर्ल भी कर रहा है, कोट भी कर रहा है, तो सब कुछ डन है, बट लिपस्टिक की कमी, लिपस्टिक के लिए मैंने जो पिक करी है वो है इनसाइड की ये वाली लिपस्टिक, जो कि आई थिंक 70-80 रुपए की आती है, 75-80 रुपीज में आती है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, मेरे पास ही पिंक कलर है इसलिए उसको अप्लाई करी, क्योंकि ब्लू पे जो पिंक कलर है बहुत अच्छे से जाएगा, बट अगर इसका थोड़ा सा लाइट पिंक होगा वो बहुत अच्छे से जाएगा, और 100 रुपीज के अंदर 200 के अंदर तो लिपस्टिक के बहुत सारे ऑप्शन है, आप माई ग्लैम की ट्राई कर सकते हो और वो तो आपको फ्री में मिल जाती है, आपको 99 रुपीज जो है डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, बस उसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, वो लिप कलर मेरा मिल गया, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा, मिल गया शायद इधर उधर गिर गया हुआ, बट मुझे ये लगा कि ये वाला बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 200 के अंदर लिपस्टिक ढूंढोगे और उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज्यादा चीपेस्ट मेरे पास ये वाली है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी, अगर आप के पास उतनी मतलब पॉकेट मनी नहीं है, आपको बहुत सारे शेड्स चाहिए लिपस्टिक के, लाइक आपको ब्राउन चाहिए, न्यूड चाहिए, पिंक चाहिए, लाइट पिंक चाहिए, मैजेंटा चाहिए, रेड चाहिए, मरून चाहिए, और बजट थोड़ा सा कम है तो आप इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, 70-80 रुपए की लिपस्टिक मिलती है, एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तब जो है वो डन है। हेयर स्टाइल में थोड़ा सा देखती हूँ किस तरह से बना के आप। सो मेकअप कंप्लीट हो चुका है, एंड मैंने हेयर स्टाइल जो है हाफ पोनीटेल बना ली है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है टीनेजर्स पर, एंड बहुत ज्यादा सारी लड़कियां इसको बनाना प्रेफर भी करती है, इसमें बाल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपका जो लुक है ओवरऑल वो आपका जो लुक है ना ओवरऑल वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड साथ में अगर ये जो लिप कलर है, ये भी लिप कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो लिप कलर है ये ट्रांसफर प्रूफ है एंड ट्रांसफर नहीं होता बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से मैट हो गया बहुत अच्छे से। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके हेल्पफुल रही होगी, एंड जो मेकअप प्रोडक्ट्स है सारे अफोर्डेबल हैं, लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर आपको कुछ लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड आपको समझ भी नहीं आता किस तरह से मेकअप करना है, तो आप अपने ही प्रोडक्ट से ये वाला जो मेकअप लुक है क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद छोटी सी बात क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी से आती है, एंड शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो टीनेजर गर्ल्स हो उनके साथ, जिनको मेकअप करना पसंद है उनके साथ, जिनसे मेकअप करना नहीं आता उनके साथ, या जिसको भी आपको शेयर करने का मन करे उसके साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।